दोस्तों कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप YouTube पे कोई भी वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं, उसे कैसे शेड्यूल कर सकते हैं और एंड स्क्रीन एनोटेशंस कैसे डाल सकते हैं। तो सबसे पहले राइट में अपने आइकन पे क्लिक करें चैनल के, उसके बाद YouTube स्टूडियो पर जाएं। उसके बाद यहाँ पर ये जो सिंबल है अपलोड वीडियोज़ का, यहाँ पर जाएँ। अब आप सीधा या तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं फाइल्स को, या तो ऐसे सिलेक्ट फाइल्स पे जाएं और वीडियो सिलेक्ट करें, उसके बाद इस ओपन पे क्लिक करें, या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया आप ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोस के लिए। एक ही बात है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे टाइटल का ऑप्शन आ गया है, तो मैं यहाँ पर टाइटल डाल देता हूँ, हाउ टू एडिट YouTube वीडियोस, ठीक है। और आप जैसे कि अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फिल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप जो भी हैशटैग्स यूज़ करते हैं वो बेसिकली आपके वीडियो के नीचे शो हो जाते हैं कि आपने क्या हैशटैग यूज़ किया है। तो हैशटैग YouTube क्रिएटर्स मैं यहाँ पे टैग यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पे आप या तो खुद से एक थंबनेल अपलोड कर सकते हैं अपनी चॉइस का कोई भी, इस पर क्लिक करके आप चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सी लोकेशन से अपलोड करना है, या फिर आपको तीन ऑप्शन अपने आप आ जाते हैं जब वीडियो प्रोसेस हो जाती है। तो जब प्रोसेस हो जाएगी तो मैं आपको वो भी दिखा दूँगा। अब यहाँ पर आपके पास लिस्ट है कि आपको इसे कौन सी प्ले लिस्ट का पार्ट बनाना है, तो बेसिकली मैंने न्यू प्ले लिस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है और इसका नाम मैं रख सकता हूँ यूट्यूब क्रिएटर्स गाइड। प्लेलिस्ट यूज़ करना काफ़ी अच्छी बात होती है क्योंकि इससे आपकी सारी वीडियोस ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, और बेसिकली ये आपके पास ऑप्शन है कि क्या ये वीडियो किड्स के लिए बनी है, तो नहीं तो मैंने नहीं चूज़ किया है, पर आप किड्स से कोई रिलेटेड वीडियो बनाते हैं तो आप उसमें चूज़ कर सकते हैं, और अगर या 18 प्लस व्यूअर्स के लिए है सिर्फ आपकी वीडियो तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप मोर ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी वीडियो में कोई पेड प्लेसमेंट है या नहीं है, और यहाँ पे आप टैग्स डाल सकते हैं, तो जैसे कि आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं यूट्यूब एडिट, मतलब जो भी आपकी वीडियो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे टैग्स डाल दीजिए। और यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग डेट वगैरह कुछ खास सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसे डाल सकते हैं कि कैसे कौन सी कैटेगरी में आपका आता है, तो वो बेसिकली आपकी चॉइस है कि आप इसे किस में डालना चाहते हैं। और ये आपके पास ऑप्शन है कि आप कमेंट्स को हाइड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, जो कमेंट्स थोड़े अजीब से हों वो सिस्टम अपने आप रोके या ना रोके। और अगर आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन एनेबल्ड है तो आप यहाँ पे उसे टर्न ऑन कर सकते हैं, पर अगर आपका चैनल नया है, आपके 1000 से कम सब्सक्राइबर हैं, आपके वॉच आवर्स भी कम हैं, तो आपके पास ये मोनेटाइजेशन का पूरा ऑप्शन ही नहीं आएगा, पर मेरे पास है तो मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं इसे। और ड्यूरिंग वीडियो वाला जो आपको ऑप्शन है, अगर वो आपको चूज़ करना है, मिड रोल जिसे कहते हैं, अगर आपको वो एडिट करना है तो बेसिकली वो आप 10 मिनट से लंबी वाली वीडियोज़ में ही कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास तीन चॉइसेस भी आ गए हैं थंबनेल के लिए, तो कोई भी मैं एक रैंडम चूज़ कर लेता हूँ, मैं बाद में एक थंबनेल एडिट करके अपने हिसाब से डाल दूंगा। और मोनेटाइजेशन मैंने सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा। और यहाँ पे आप अपनी एड सूटेबिलिटी बना सकते हैं, अगर आप वीडियो मोनेटाइज कर रहे हैं तो इसमें से अडल्ट कंटेंट, इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज, वायलेंस या ऐसा कुछ भी अगर आपके वीडियो में है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। मेरी वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है तो मैं नन ऑफ द अबव कर दूंगा। अब यहाँ से आप एंड स्क्रीन एनोटेशंस डाल सकते हैं, तो बेसिकली आप के पास ऑप्शन है तो आप किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियो से इंपोर्ट कर लें या नया ऐड कर लें। तो जब आप ऐड पे जाएंगे तो आपके पास ये बहुत सारे ऑप्शन हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कब से ये वीडियो के एंड पे शुरू करना है अपना, और यहाँ से आप प्लस सिंबल यूज़ करके एक और एलिमेंट डाल सकते हैं। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे एक और एलिमेंट डाल दिया, और आपको ये ध्यान रखना है कि एलिमेंट जो है वो ओवरलैप ना करें, नहीं तो ये आपका सेव नहीं होगा।
से सेव पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप एडिट पे जाके इसे एडिट कर सकते हैं, और आप चाहें तो अपनी वीडियो में यहाँ से कार्ड्स भी डाल सकते हैं। तो वो ऑप्शन भी मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है, तो किसी भी आप टाइम ड्यूरेशन पे जाइए, आप एक वीडियो में मैक्सिमम 5 कार्ड्स डाल सकते हैं। उसके बाद ऐड कार्ड के ऑप्शन पे जाएं, और आप इसके बाद चैनल को प्रमोट कर सकते हैं, किसी आप पोल दे सकते हैं, लिंक दे सकते हैं किसी वेबसाइट का, बेसिकली अपनी किसी और वीडियो का यहाँ पर आपको लिंक दे देता हूँ। तो मैंने मान लीजिए इस वाले का मैंने ये दे दिया, ओके okay, अच्छा अभी इस प्लेलिस्ट में कोई भी वीडियो नहीं है इसलिए दिखा नहीं रहा है, तो मैं कोई और चूज़ कर देता हूँ। डेली टेक न्यूज़ मैंने चूज़ कर ली, और अब मैं ऊपर रिटर्न टू यूट्यूब स्टूडियो करूँगा, ऑप्शन सेलेक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ऊपर ऐसे कार्ड दिखा देगा। उसके बाद मैं रिटर्न टू यूट्यूब स्टूडियो पर जाऊँगा, और अब मैं नेक्स्ट दबाऊँगा। और इसके बाद अगर मुझे वीडियो प्राइवेट रखनी है, जैसे कि ये वाली वीडियो सिर्फ मैं देख पाऊँगा, तो इसका ये फ़ायदा है कि अगर मुझे बाद में कुछ चेंजेस करने हैं, अभी सिर्फ अपलोड करनी है, तो वो मैं कर सकता हूँ। मैं सेव पे दबा दूंगा तो ये प्राइवेट रहेगी वीडियो, इसे और कोई नहीं देख सकता। अनलिस्टेड वीडियो में ऐसा होता है कि अगर आप इस वीडियो का लिंक किसी के साथ शेयर करेंगे, सिर्फ वही लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, ये वीडियो आपके चैनल पर पब्लिश नहीं होगी। तो जिनके पास ये लिंक होगा सिर्फ वही देख सकते हैं। और अगर आप पब्लिक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो ये वीडियो इंस्टेंटली अवेलेबल हो जाएगी सबके देखने के लिए। लेकिन अगर आप इंस्टेंट प्रीमियर यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ये करते हैं ऑप्शन चूज़, तो यहाँ पे एक प्रीमियर टाइप क्रिएट हो जाता है। तो वीडियो शुरू होने से 2 मिनट पहले वो लोगों को नोटिफिकेशन वगैरह भेज देगा पहले ही एडवांस में कि वीडियो शुरू होने वाली है, और 2 मिनट का उससे पहले काउंटडाउन टाइमर होगा, और फिर वाली वीडियो काइंड ऑफ लाइव चलेगी लोगों के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो, वैसे ही वैसे कोई और भी वीडियो देखेगा। तो बेसिकली अगर ये वीडियो 5 मिनट की है तो लोग बेसिकली इसे लाइव देखेंगे वीडियो को। और अगर आप शेड्यूल का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर आपको वीडियो चाहते हैं कि कभी बाद में पब्लिश हो, कल पब्लिश हो, परसों पर पब्लिश हो, तो आप यहाँ पे अपना डेट और टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि और आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए मुझे आज ही पब्लिश करनी है, तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे 9:30 बजे रात के इसे पब्लिश करना है। और ये भी सेम चीज़ है, अगर मैं प्रीमियर सेलेक्ट करता हूँ तो ये प्रीमियर होगा, पर मुझे वो नहीं करना है। और मैंने वीडियो शेड्यूल पे क्लिक कर दिया है, और अब मैं शेड्यूल दबा दूँगा तो ये वीडियो शेड्यूल्ड हो गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है वीडियो का लिंक मेरे पास आ गया, इसे मैं शेयर कर सकता हूँ, और अब ये वाली वीडियो मेरी चैनल वीडियोज़ की लिस्ट में भी दिखा देगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और ऐसी ही वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वेस्ट ज़रूर भेजें, मैं आपके लिए वाली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।